अपडेट्स के बाद आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के कल इस्लामाबाद अदालत में पेश होने का मामला। इमरान खान ने आज जमान पार्क में अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में पार्टी की मरकजी कयादत और कानूनी टीम शरीक होगी। इजलास में कल इस्लामाबाद अदालत में पेश होने के मामले पर मुशावरत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई के कल इस्लामाबाद अदालत में पेश होने का ये मामला है और आपको बताएं कि इमरान खान ने आज जमान पार्क में अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में पार्टी की मरकजी क़यादत और कानूनी टीम भी शरीक होगी। इजलास में कल इस्लामाबाद अदालत में पेश होने के मामले पर मुशावरत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई के कल इस्लामाबाद अदालत में पेश होने का ये मामला है जिस हवाले से इजलास भी तलब किया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा लियाकत अली से। जी लियाकत अली, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कल चेयरमैन कलेक्शन से इमरान खान को इस्लामाबाद की अदालत में पेश होना है, तो इस हवाले से स्ट्रेटजी और फिर लीगल स्ट्रेटजी के लिए जो है वो आज पार्टी की क्यादत का इजलास बुलाया गया, जिसमें सीनियर रहनुमाओं के साथ साथ लीगल टीम के जो वकला हैं वो शिरकत करेंगे। इमरान खान को जो इस्लामाबाद में इमरान खान से कल जिसमें पेश होना है, उन केसेस के हवाले से कानूनी नकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी और साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि क्या इमरान खान अकेले ही कल जो है वो इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ, या फिर कारकुनों को भी साथ जाने की कॉल दी जाएगी। तो इस तरह मुख्तलिफ इश्यूज आज के इजलास में जेर बहस आएंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।